हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यूपी के कानपुर से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर शहर में हिस्ट्री सीटर अपराधी को बचाने के लिए बीजेपी नेता और उसके समर्थक पुलिस से भिड़ गए। हत्या के प्रयास, लूट, बलात्कार मामले में फरार चल रहे हिस्ट्री सीटर मनोज सिंह को कानपुर पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बीजेपी नेता नारायण भदौरिया और उसके समर्थकों ने पुलिस जीप को घेर लिया। यही नहीं, बीच रोड पर एक घंटे तक चले हंगामे के बाद धक्का मुक्की कर बीजेपी नेता और उसके समर्थकों ने हिस्ट्री सीटर को पुलिस के चंगुल से आजाद करा लिया। एक तरफ जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हिस्ट्री सीटर की कमर तोड़ने के लिए पुलिस को खुली छूट दे चुके, वहीं कानपुर से बीजेपी नेता ही अपराधियों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के उस्मानपुर के एक गेस्ट हाउस में कानपुर दक्षिण से बीजेपी के जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया के जन्मदिन की पार्टी मनाई जा रही थी। जन्मदिन के कार्यक्रम में शहर के विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं में वंचित अपराधी मनोज सिंह भी पहुंचा था। इसकी सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस की टीम बीजेपी नेता के कार्यक्रम में पहुंची और वहां से हत्या के प्रयास में वंचित चल रहे अपराधी हिस्ट्री सीटर मनोज सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसकी सूचना जैसे ही नारायण भदौरिया को लगी तो वो अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए और पुलिस की जीप को चारों ओर से घेर लिया और हिस्ट्री सीटर को छोड़ने की बात करते हुए नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने जब उसे छोड़ने से मना कर दिया तो भाजपा नेता उसके समर्थक भड़क गए और पुलिस से धक्का मुक्की करने लगे। इस दौरान कुछ समर्थक पुलिस की जीप के आगे लेट गए। नारायण भदौरिया पुलिस से बहस कर रहे थे तो इसी दौरान उनके समर्थक जीप में बैठे हिस्ट्री सीटर को कानून को ताक पर रखते हुए जीप से उतार कर भगा दिया। इस दौरान पुलिस भाजपा नेताओं के सामने पूरी तरह बेबस नजर आई। हिस्ट्री सीटर मनोज सिंह पर हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, बलात्कार जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। हिस्ट्री सीटर को भगाने वाले भाजपा दक्षिण जिला मंत्री नारायण भदौरिया का भी आपराधिक इतिहास है। नारायण पर 307 और 308 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहे, जिसके बाद विपक्षी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। संवाददाता लक्ष्मी चंद दीक्षित की रिपोर्ट, कानपुर यू न्यूज़।